नमस्कार दोस्तों, और पेश बंसल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका के गांव रामकोट की टैलो पर पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से किसान परेशान है, जमीनें खाली पड़ी हैं, पानी की कमी के कारण बिजाई प्रभावित हो रही है। फाजिलका के गांव रामकोट के टैलो पर पानी की कमी है। देखिए किस प्रकार से किसान यहाँ पर जमा है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि पानी नहीं आने से बिजाई प्रभावित हो रही है। पहले भी कई बार प्रशासन को मिला जा चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहरी विभाग के एक्शन भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उनसे भी ये कई बार मिल चुके हैं। आज प्रशासन के खिलाफ टैलों पर पहुंचकर किसानों द्वारा नारेबाजी की जा रही है। देखिए किस प्रकार से किसान नारेबाजी कर रहे हैं। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि पानी की कमी को पूरा किया जाए ताकि वे फसल की बिजाई कर सके। देखिए किस प्रकार से किसानों द्वारा देवेंद्र सहारन के नेतृत्व में यह नारेबाजी की जा रही है। गांव रामकोट का मामला है, इनके द्वारा पानी की कमी को पूरा करने की मांग की जा रही है। आरबीलाई मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ किसानों से। वे देखिए किस प्रकार से बयान दे रहे हैं। हम किसी तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। आरबीलाई मीडिया आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब करना न भूलें। जसविंदर सिंह वासी पिंड रामकोट का रहने वाला किसान हाँ। नहरी पानी की जी प्रॉब्लम है साढ़े घट्टो घट लगातार ये 20 साल तो चलती आ रही है। पहला साल में यह आस थी भी नवी नहर जी है नवी बनने वाली है। 2017 के नहर भी नवी बन गई। 2017 नहर नवी बन तो बाद कुछ आस बजी भी पानी आजूगा, पर वो जो पहला 2017 तो पहला हाल से उही हाल हो गई। साढ़े पिंड सिर्फ 25-30% बिजाई हुई है, बाकी हजे तक बिजाई नहीं हुई। वाण वेले पे है। असी 3-4 वारी 4-5 वारी पिंड के किसान रामकोट के कुई खेड़े के कट्ठे होके प्रशासन को भी गए। मैडम डीसी नू मिले, उन्होंने कहा भी उन्होंने एक्शन साहब नू उदों फौरी तौर पर फोन भी किया। उन्होंने कहा भी 4 दिनों के पानी पूरा कर देंगे। 4 दिन वेट करने तो बाद 6 दिन बाद मिले। उन्होंने फिर एक्शन साहब नू कहा, SDO साहब जी ड्यूटी लाई, वो कहें जी फिर 3-4 दिन का दौ पानी पूरा कर रहे हैं। हरीके पत्तन तो पानी छड़ता है, 4 दिन पानी पहुँच जूगा। वो फिर नहीं पहुँचा। तीसरी बार फिर गए मैडम गल मिले जाके, तो प्रशासन ने कहा भी थोड़ी 3-4 किसान SDO JEE ते मुलाजम ला के कोई पुलिस प्रशासन के अफसर ला के थोनों तो असी मोगे मागे चैक कराने, जो टुटे मोगे उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। उस कार्रवाई में भी टाइम भी अच्छ 4-5 दिन बिर बीत चुके। पानी जरा 3-4 हिस्से है तुम ये वेख लिया। तो असी काफ़ी बारी एक्शन साहब न भी एक्शन राणा साहब नू भी मिल चुके हैं, परसनली तौर पर जा चुके हैं भी पानी है। और रोड भी फाजिलका हबो रोड हाईवे भी जाम करके असी उन्होंने कहा भी साढ़े पानी पूरा करो। उन्होंने भी उदो कहा भी असं पानी 10 दिन पूरा कर देंगे। तो बिजाई का समा भी निकल चुका है पर साडा पानी पूरा नहीं होया। किसान साढ़े जो टैलों से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अगे धरना दे चुके हैं, 2-3 वारी कोई सुनाई नहीं होंगी। एक्सिन कहना पानी पूरा टैलों के अच्छ वेख्या आपने मौका कड़ा पानी है। इतने एक्सिन कहना कि सारी कणक नहर के पड़ने वाली बीजी गई, कौन आ सारे वेख लो बोर हजे टैलों के उत्ते बोर खड़े वेख लो निगाह कर सकता। एक्सिन नहीं इतने सारे पिंड अगों आता कि पानी फुल है टैलों के पानी अज वेख्या आपने। असि आंसी नहर नवी बन जूगी पानी साढ़े आजूगा, फिर भी नहीं साया। असी साडा पिंड रामकोट कलू वकाऊ कर छटे, फिर भी नहीं इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। साडी जिमीदारां दी हजे तक कोई हक जी नहीं। साडे डीसी नू 2 वार जा चुके हैं, 17-5 नू गए हैं, 4 दिन टाइम मंगे साथों ने थोड़े टैलां दा पानी पूरा करांगे, कोई पानी पूरा नहीं होया। उस तों बाद फिर गए असी 27 नू गए हैं, कमेटी बनाउनी आ, कोई कमेटी वाला बंदा नहीं आया अज तक साडे कोले। कहे असी कमेटी बना के थोड़े मोगे तां साडे मोगे सैफल तो अगे 2 मोगे फुटे पे आ, सानू अजे तक वो तसली नहीं कराई। वो हजे फुटे फुटे उए पे है, गट्टे लाए पे है, सटके लगी जांदे। मगर चलारा पिंड दे विच इक पिंड हैगा जिहड़ा उह ठुकर लवाती इन्होंने। मेन करके की है, एक पिंड नू अगे 36 पिंड जिहड़े पैण दे, एक पिंड ने मराता सारे, कोई घट नहीं, कोई सारा प्रशासन पैसे लैके काम कराई जांदे। मगर सटके लवाई जांदे है, मोगे वड्डे कराई जांदे है, पैसे ले जांदे है।
ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਰਾਮਕੋਟ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। 25% ਪਰ ਨਰਮਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਨਰਮਾ ਸਾਡੇ ਬਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੱਤਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਕੱਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਵੀਂ ਕੱਸੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਲਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਲਏ 2 ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਸਕੀਏ। ਵਿਜਾਂਤ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਦਾਂ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਜਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।